दिल्ली में एक बार फिर से उपराज्यपाल और सीएम के बीच टकराव जैसी स्थिति बनती दिख रही है। अब की बार दिल्ली सरकार ने पूर्व सैनिक रामकिशन गरेवाल को 1 करोड़ मुआवजा देने की फाइल उपराज्यपाल ने लौटा दी है। फाइल लौटाते हुए उपराज्यपाल ने कहा है कि रामकिशन गरेवाल दिल्ली के नागरिक नहीं बल्कि हरियाणा के नागरिक हैं, इसलिए दिल्ली सरकार उन्हें मुआवजा नहीं दे सकती। रामकिशन गरेवाल पूर्व सैनिक थे जिन्होंने ओआरओपी की मांग को लेकर जंतर मंतर में धरना दिया था, लेकिन नवंबर 2016 आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने गरेवाल के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया था। केजरीवाल सरकार की पॉलिसी के मुताबिक दिल्ली में रहने वाले किसी भी फौजी, पैरामिलिट्री और पुलिस के जवान पर ड्यूटी पर मृत्यु होने पर दिल्ली सरकार उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे सकती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी केजरीवाल सरकार के इस फैसले के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें दिल्ली सरकार ने पूर्व सैनिक रामकिशन गरेवाल के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने के फैसले को गलत बताया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि इसमें किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। ये पहला मौका है जब नए LG अनिल बैजल और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। इससे पहले केजरीवाल सरकार के गेस्ट टीचर वेतन बढ़ोतरी, न्यूनतम मजदूरी बढ़ोतरी, मोहल्ला क्लिनिक सरकारी स्कूल में खोलने जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले को उपराज्यपाल ने हरी झंडी दिखाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।